family number one. छोड़ो ना। अरे पापा प्लीज। नो वे, मैं तुझे रेनकोट लिए बगैर बाहर नहीं जाने दूंगा, समझे? पापा प्लीज जाने दो ना, आज मेरा और सोनी का बारिश में ड्यूएट सॉन्ग गाने का प्रोग्राम है। अबे मेरे 2.5 फुट के मजनू, तेरे सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे जब हर लाइन के बाद 3 बार छींकेगा। ओफो पापा, लेट हिम गो ना। लेट हिम गो? अरे आज भीगेगा, कल को निमोनिया हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? यू टेल मी। शालिनी जी, शोर नहीं, शोर। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे ऐसे, जैसे बनवा नाचे मोर। अरे ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अरे आप तो एकदम भीगी हुई हैं। हाँ, अचानक बारिश शुरू हो गई तो क्या करती है? अरे आप अपना छाता ले जाना क्यों भूल जाती हैं? अरे भूला कौन, मैं तो जानबूझ के घर पे छोड़ के गई थी, बारिश में भीगने का मजा कुछ और ही है दीपक जी। जी? Yeah, I really enjoy the monsoons. मतलब सब टेंशन गायब और धमाल शुरू। Don't you enjoy the rains, दीपक जी? I, of course I do. मेरा मतलब है नहाते वक्त तो सभी भीगते हैं, मजा तो तब है जब आदमी बरसात में भीगे। क्या बात कही आपने, क्या बात कही really? बल्कि गुट्टू अब इज्जत कर रहा था कि वो रेनकोट लेकर जाएगा, मैंने कहा यार come on, enjoy the weather, be like your father. Come on गुट्टू, be like your father. मैं सरा अपने बाल वाल सुखा दूँ। Excuse me. पवन करे शोर। क्या पलटी मारी है पापा ने, सॉलिड। राहुल क्या हो रहा है? अरे बेटा बाहर लड़ाई हो रही है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, राहुल भी आके ये सब संभाल लेंगे, उनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है, सो जाओ। अरे मैं बाहर लड़ने नहीं जा रहा हूँ, लड़ाई रोकने जा रहा हूँ, कमाल की औलाद है यार। हमें अगर बाहर की इमरजेंसी नहीं होती तो हम बिल्कुल नहीं आते। उठाओ चलो, उठाओ। कोई झगड़ा नहीं होगा, क्या हुआ अंकल? हमें 2 मिनट आपका मोबाइल यूज कर रहा है क्योंकि घर का फोन खराब हो गया। पापा कोई फोन नहीं देना इनको, ये हमारे मोबाइल फोन लेके चलते हैं। लेकिन इतनी रात को किसको फोन करना है तुम लोगों ने? वो हम आपको नहीं बता सकते, हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। अंकल को बताने में क्या हर्ज है? अंकल वो क्या है ना, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हमें डॉक्टरों को फोन करना है। शालिनी जी की तबीयत खराब है? हाँ, तो मम्मी सुबह भीग गई थी ना, तो शाम होते होते उन्हें बुखार चढ़ गया। अरे इनको तो बहुत ज्यादा बुखार है भाई। अंकल वो तो हम भी जानते हैं, मगर आप टेम्परेचर थर्मोमीटर से भी ले सकते थे ना। पंखा बंद करो। धीर, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, I'm all right. शालिनी जी मैं दीपक। दीपक जी मैं ठीक ठीक हूँ, आप सो जाइए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? जी तकलीफ इस बात की है कि मेरा हाथ आपके हाथ में है और बच्चे देख रहे हैं। Sorry. It's all right. आपको बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। दीपक जी मैंने दवा ले ली है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, it's okay. शालिनी, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं चलेगी, तुम चुपचाप लेटी रहो, समझे? मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ और तुम, खैर मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे राहुल बेटा इस वक्त कोई डॉक्टर मिलेगा? हाँ मेरे पहचान का एक डॉक्टर है, डॉक्टर फिजा मुरादाबादी। अरे ये डॉक्टर है के शायर है? क्या बात करते हो पापा, मोगेम्बो साहब के ड्राइवर के फैमिली डॉक्टर है वो। ओ, जल्दी से फोन नंबर लाओ उसका, जल्दी से। और गुट्टू मेरा मोबाइल लाना यार। ओहो भाई शी इज नॉट रियली, लाओ 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 लाओ, जरा नंबर लगा। रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज़े लाला रुख के काशाने में चल। आवाज चुप हो जाओ यार। Pick it up, pick it up. अरे गमे दिल क्या करूं रात,
नहीं मानेंगे। कौन है बदबख्त? हेलो। हो डॉक्टर साहब जी, मैं दीपक मल्होत्रा बोल रहा हूँ, बीच हाउस से। आप प्लीज फौरन यहाँ चले आइए। पगला गए हैं क्या मल्होत्रा साहब? भाई माना कि रात पूरे शबाब पर है, लेकिन हम भी तो दावत कबाब पर हैं। इस वक्त आने का शौक नहीं फरमा सकते, माफ कीजिएगा। डॉक्टर मैं तुम्हारी उर्दू से इतना समझ पाया हूँ कि तुम नहीं आना चाहते, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि हमारी पड़ोसन शालिनी जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे भाई ये तो मौका है, खुशी है मल्होत्रा खानदान के लिए कि उनके दुश्मनों की सेनापति जंग में घायल जो हो गई है। भाई मैं तो कहता हूँ मल्होत्रा साहब के जश्न मनाइए जश्न। देखो अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो तुम्हें अपने लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बात भेजे मैं बैठी यार आकर बिठाऊं? जी हाँ भाई, इस तरह से बिठाएंगे तो बैठ ही जाएगी ना। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और फौरन चले आओ, समझे? जी जी जी, अभी हाजिर हुआ मल्होत्रा साहब, अभी हाजिर हुआ। अजीब अहमक। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर इज ऑन हिज वे। हां बहुत ज्यादा बुखार, थर्मामीटर है भैया? पापा कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गए थे ना। एक्साइट तो होना ही था गुट्टू, शालिनी आंटी को कितना बुखार है। लेकिन बुखार आंटी को है और तकलीफ पापा को हो रही है। देखा नहीं कैसे धमका दिया उस डॉक्टर को, धोबी की तरह। मत याद दिला मुझे गुट्टू, वो मोमेंट मत याद दिला। उस मोमेंट को याद करता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है और सर श्रद्धा से झुक जाता है। पहली बार पापा ने मारपीट की बातें की हैं। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, पहली बार। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी थी। जी फरमाइए। घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? जी नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अब तो माशाल्लाह हालात घबराने की हद से बाहर निकल आए, अब तो डरने की बात है। जी जी, मैंने फिलहाल मोहतरमा को इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इंशाल्लाह होश में आ जाएंगे। और अगर मोहतरमा होश में नहीं आई तो आप सब लोग बारी बारी से बेहोश हो जाना शुरू कर दीजिएगा, और हजरत आप सबसे आखिर में बेहोश होइएगा, वरना बेचारे मासूम बच्चों को कौन संभालेगा। एक अबला बेचारी अस्वस्थ है और आपको व्यंग सूझा है। आपने हमारी नींद में खलल डाला है रात के 2 बजे, अब जाकर उस खुदा की नींद हराम कीजिएगा, वही संभालेगा इन्हें। खुदा हाफिज। उर्दू में खबरें खत्म हुई पापा? नहीं नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, उर्दू में शायद यही बोल गया। पापा पहले तो हम घबरा नहीं रहे थे, लेकिन आपका चेहरा देखकर घबराहट की गाड़ी तो 100 किलोमीटर से ज्यादा तेज दौड़ने लगी है। नेवर माइंड। अरे बेटा ठंडा पानी लाना जल्दी। ठंडा पानी? पापा ऐसी भी क्या तपस्या, माना आंटी बीमार है लेकिन आप ठंडे पानी से क्यों नहाना चाहते हो? अरे मैं अपने नहाने के लिए पानी नहीं मंगवा रहा हूँ, शालिनी जी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने के लिए मंगवा रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप। ए थकेले चूसली, तेरी अकल का गधा जिस खेत में घास चर रहा है ना उसे वही चरने दे, मेरे पापा जो कर रहे वो ठीक कर रहे। ए भूतनी पानी लेके आ जा, चल चल। लपड़ा चल।
आप लेटी रहिए प्लीज। दीपक जी आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, आई एम सॉरी। आप क्या पूरी रात सोए नहीं? कोई बात नहीं, किसी दिन आप बदला चुका दीजिएगा, मैं सोता रहूंगा, आप मेरी तरफ देखती रहिएगा जी। मेरा मतलब आप कैसा लग रहा है? मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये कमरा क्यों घूम रहा है? कमरा घूम रहा, इसका मतलब अभी भी आपको चक्कर आ रहे हैं? मम्मी नहीं भारती, इट्स ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। देखिए ये सब आपकी अपनी बेवकूफी की वजह से हुआ, क्या जरूरत थी बच्चों की तरह बारिश में भीगने की? You're right, I'm sorry. No, I'm not going to listen to anything. मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, फिर आपको दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ये उर्दू वाला मुझे ठीक नहीं लगा। नहीं दीपक जी, ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है दीपक जी। अंकल भी भाव खाने लगे, जरा सी मदद क्या कर ली, लगे मम्मी को डांटने, ये भी नहीं सोचा कि मम्मी को बुरा लगेगा। किसने कहा मुझे बुरा लगेगा? ओके गाइस। क्या हुआ? पापा मेरे शर्ट का बटन टूट गया। अरे एक दिन बटन के बगैर शर्ट पहन लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? अरे लेकिन पापा आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप आज मुझे शर्ट का बटन लगा कर देंगे। अरे मैं कौन सा राजपूत हूँ जो अपना वचन निभाओ, क्या वचन तो दिया। पापा आप शालिनी आंटी को हॉस्पिटल में क्यों लेकर जा रहे हैं? ये काम धीर नहीं कर सकता? अरे बेटा धीर तो बच्चा है, वो सब कैसे हैंडल करेगा? अच्छा तो आपको बाहर के लोगों की ज्यादा परवाह है, और आपके घर में जो बीमार है उनका क्या? कौन बीमार है भाई? अरे हमारे राहुल भैया को जो पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द? ओहो बेटा जब कोई इंसान को तकलीफ होती है तो वो भगवान के पास जाता है, तू अपने मोगेम्बो देवा के पास जा, 3 अगरबत्ती जला, 1 नारियल फोड़, सब दर्द चले जाएंगे। पापा मोगेम्बो साहब पेट का दर्द ठीक नहीं करते, पेट में दर्द करवाते हैं, बहुत जोर से मारा। सॉरी। जाने दो भाई लोग, आज आंटी बीमार है, आज के दिन पापा को अपने दुश्मनों के लिए हमदर्दी माफ। Are you all right? चल लेंगी ना? जी हाँ। आइए। ध्यान से। देखा? अगर आज मेरे पापा नहीं होते तो तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल कौन लेके जाता? अबे ए मूंगफली के खराब दाने, ज्यादा एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी तेरे पापा को हॉस्पिटल इसलिए ले गई है ताकि तेरे पापा हॉस्पिटल अच्छे से देख लें, और अगली बार जब मैं तेरी पिटाई करूं तो तेरे पापा उधर सस्ते में इलाज करा लेंगे। ओ हलवाई तेरे को तो मैं देखता हूँ। ए समुंदर की सड़ीली मच्छी। अबे जंगल के थकेले शेर। चुप। हिम्मत है तो आओ। आपका नाम? जी दीपक मल्होत्रा। तो मिस्टर दीपक मल्होत्रा, जब ये बारिश में बाहर भीग रही थी तब आप क्या कर रहे थे? मैं अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था। ओहो बच्चों का ख्याल है आपको, मगर इनका नहीं। खैर कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 इनके हैं, 3 मेरे हैं। ये आप अलग अलग क्यों बता रहे हैं? ऐसा कहिए ना कि टोटल आपके 6 बच्चे हैं। जी वो 6 बच्चे हो गए, मगर अभी भी आप में बचपना नहीं गया। जरा सोचिए अगर आपको कुछ हो जाता तो बच्चों का ख्याल कौन रखता, इनका ध्यान कौन रखता? दरअसल डॉक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। अरे गलत तो आप समझ रहे हैं मिस्टर दीपक मल्होत्रा, इनके पति होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप इनका ध्यान रखें। जब भी ये कहीं बाहर जाएं तो इन्हें छाता वगैरह कुछ दिया कीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये मेरे पति आपका ख्याल नहीं रखते, यही ना? हर हिंदुस्तानी औरत को अपने पति से यही शिकायत रहती है। खैर कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट, थोड़ी कमजोरी है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए। और हाँ एक बात और, इनका ध्यान रखा करिए ताकि ये किसी दूसरे के सामने अपने पति की शिकायत ना कर सकें, समझे? दीपक जी चले चले, मेरा भी यही ख्याल है।
थैंक यू डॉक्टर साहब. अरे अरे ध्यान से. एक मिनट एक मिनट, मुझे एक बात कहनी थी आपसे. आपके छह छह हो गए ना, बस यही फुल स्टॉप लगा दीजिए. भाई देश का कुछ तो ख्याल रखिए. जी बेहतर है डॉक्टर साहब. जी थैंक यू. हमारे ऑफिस के इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है. ओह गॉड, कमाल का क्या. भूल गया, वो सुबह से धूप निकली हुई थी ना, इसीलिए भूल गया. अच्छा, आप बैठ जाइए. कहा आप बैठ, यहाँ बैठिए ना. जाइए ना, आप बैठिए यहाँ पे. दीपक जी क्या कर रहे हैं आप. मुझे बस एक ही बात का फिक्र है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं. कैसी बातें कर रहे हैं आप, शुभ शुभ बोलिए प्लीज दीपक जी. नहीं नहीं, मेरा मतलब मुझे अपनी चिंता नहीं, आपकी चिंता है. भाई अगर मैं बीमार पड़ गया तो आपको रात भर जागना पड़ेगा, माथे पर ठंडी पट्टियां लगानी पड़ेंगी, सारे बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, रात को डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, दिन में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. दीपक जी आपका आपका शायद फोन बज रहा है कहीं पे. सुन रहा है मुझे, लेकिन मैं उर्दू वाले डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा. हाँ 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 ठीक है, मैं नहीं ले जाऊंगी उसके पास, किसी और के पास ले जाऊंगी. ये ध्यान रखिएगा. हेलो जी, दीपक जी आपके साथ इस वक्त बात नहीं कर सकते जी. नहीं, वो बहुत बीमार है, उनको बुखार आ गया है बहुत तेज, बारिश में भीग गए थे ना जी. आप कल फोन कीजिए. थैंक यू. फोन छाता. डॉक्टर के पास चलो पहले पट्टी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.